तहरीके इंसाफ का विफाक और पंजाब में इतिहाद का फैसला तब्दील। पंजाब और विफाक में MWM के पास सुन्नी इतिहाद कौंसिल से इतिहाद करने का फैसला। बानी PTI ने आजाद उम्मीदवारों को सुन्नी इतिहाद कौंसिल में शमूलियत की इजाजत दे दी। PTI की आजाद अरकीन को अपनी दस्तावेज इलेक्शन कमीशन में जल्द जमा करवाने की हिदायत। PTI के हिमायत याफ्ता आजाद अरकीन आज से शमूलियती दस्तावेज इलेक्शन कमीशन में जमा कराएंगे। अफसोस, सानिया 9 मई से कोई भी सबक नहीं सीखा गया। मुल्क दुश्मन मुहिम रोकने का नाम नहीं ले रही। तहरीक इंसाफ की तारीख है कि वो इंतखाबी नतायज तस्लीम नहीं करती। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले कमिश्नर रावलपिंडी का इलेक्शन प्रोसेस से कोई ताल्लुक नहीं। अता तारक बोले हमें इल्जाम लगाने वालों को जवाब देना आता है। सोशल मीडिया को झूठा बयानिया बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। कमिश्नर साहब को 8 दिन बाद बेदारी नसीब हुई। मुस्लिम लीग नून को एक और विकेट मिल गई। बलोचिस्तान से 9 मुंतखब रुकन आसिम गर्दगेलू मुस्लिम लीग नून में शामिल। मॉडल टाउन में नामजद वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। शहबाज शरीफ का कहना था कि लड़ाई नफरत और इंतकाम का नुकसान पाकिस्तान और अवाम को होगा। रियासत को खतरात से बचाने के लिए सबका इत्तेहाद ही मसाइल का हल है। जमात इस्लामी का मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। शफाफ इलेक्शन के लिए सियासी जमातें एक पेच पर आ जाएं। जाली नतीजे के नतीजे में बनने वाली हुकूमत कभी नहीं चलती। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि हुकूमत इसी को मिलने चाहिए जिसे अवाम ने मैंडेट दिया। जमहूरियत 8 फरवरी के इलेक्शन में जमीन बॉस हो गई। अगर धांधली करनी थी तो इलेक्शन पर 50 अरब रुपए क्यों खर्च किए गए। इंतखाबात में मायूस कुन कारकर्दगी। पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर असलम गिल का इस्तीफा मंजूर। पीपल्स पार्टी का पंजाब में वार्ड की सतह तक तंजीम साजी मुकम्मल करने का फैसला। सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी ताज हैदर कहते हैं कि पंजाब में पहले मरहले में जिला से निचली सतह तक तंजीमें 9 होगी। असलम गुल रजाकाराना तौर पर मुस्ताफी हुए थे। पार्टी क्यादत फैसला करेगी कि आप पीपल्स पार्टी लाहौर का सदर कौन होगा।